तिलक लगाने का क्या है महत्व? हिंदू धर्म में तिलक करने का विशेष महत्व बताया गया है। संत परंपराओं की बात करें तो इससे संतों महात्माओं के संप्रदाय के बारे में पता चलता है। वहीं आम जनमानस जब तिलक लगाता है तो तिलक लगाने से उसे शांति का अनुभव होता है। तिलक लगाने से वैष्णव की पहचान होती है, तिलक से ही संतों के संप्रदाय की पहचान होती है। वहीं तिलक केवल धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि कई वैज्ञानिक कारण भी हैं इसके पीछे। तिलक केवल एक तरह से नहीं लगाया जाता। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सब के अपने अलग अलग तिलक होते हैं। हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र होते हैं जो अपार शक्ति के भंडार हैं। इन्हें चक्र कहा जाता है। माथे के बीच में जहां तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। ये चक्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां शरीर की प्रमुख 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना आकर मिलती हैं। इसलिए इसे त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। ये गुरु स्थान कहलाता है। यहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। यही हमारी मुख्य चेतना का स्थान भी है। इसी को मन का घर भी कहा जाता है। तिलक लगाने में सहायक हाथ की अलग अलग अंगुलियों का भी अपना महत्व है। अनामिका शांति दोक्ता मध्यमायुष्करी भवेद अंगुष्ठतः पुष्टिव प्रोत्तः तर्जनी मोक्षदायिनी। कहने का अर्थ है कि तिलक धारण करने में अनामिका उंगली मानसिक शांति प्रदान करती है, मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है, अंगूठा प्रभाव, ख्याति और आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए विजय तिलक अंगूठे से ही करने की हमारी सनातन परंपरा है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली है, इसलिए मृतक को तर्जनी से ही तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से तिलक का विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, जिसकी सकारात्मक और सार्थकता की पुष्टि विज्ञान भी करता है। TotalBhakti.com